गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। ये छोटी ना है मम्मी, और टाइम हो चुका है 10 बज चुके। आज तो मैं जल्दी उठ गया था, 8:30-9 बजे से ही उठ गया था। और आज है एसी साफ करने का टाइम, और मम्मी ने मंगा रखे। हो जाएगी मम्मी, इससे काम हो जाएगा, डबल करेगी, डबल पाइप करके मम्मी करेगी। बाकी तो अब एसी साफ करेंगे, थोड़ा बहुत तो मैंने कल करा था, आपको बताया था, बट अब अच्छे से करूँगा मैं। पानी वानी मार के, प्रेशर व्रेशर मार के खुद ही कर लेंगे, क्यों पैसे खराब करने। जो पैसे खराब होंगे उसको कुछ खा लूंगा मैं सबसे बढ़िया, क्योंकि इसमें ज़्यादा जरूरत भी नहीं है वैसे, बस प्रेशर ही मारना होता, वो प्रेशर मार ही देंगे हम। यूट्यूब पर सब कुछ है, सीख जाते कि कैसे क्या करना, कैसे नहीं क्या करना, करा दा। तो फिलहाल तो अभी मैं हम इसको अपने एसी को साफ करते हैं, फिर कूलर की घास भी लेकर आएंगे आज, कूलर को भी पूरे अच्छे से सेट करेंगे। हैं, हटाऊं पर दो ताजिए ले, सेट कर दिया है। और ये उसके यहाँ पे करने के लिए और बाहर करने के लिए बस, ताकि सरफ थोड़ा सा साफ हो जाए ना अच्छे से, इस वजह से। अभी बाकी देखते हैं, मम्मी पन्नी लिया, पन्नी से थोड़ा सा ढक देंगे ना, वो जो वो है ना उसका, ये इसको करने के लिए। मेरा जुगाड़ है, मम्मी का जुगाड़ नहीं। मम्मी में इतना दिमाग कहाँ से आएगा। और सबसे पहले अच्छा, आज तुम्हें दिखाते हैं कि एसी की सर्विस कैसे करते हैं, तो आज तुम अच्छे से दिखाएंगे कि एसी की सर्विस कैसे करी जाएगी। पहले तो उसको ऐसे पन्नी से ढक देंगे ताकि उसमें पानी नहीं जाए, अच्छी तरीके से ढकेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम इससे साफ करेंगे, कर दी ना स्टार्ट। तो पहले इससे स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे साफ करके पानी में डालेंगे, फिर छोटी वाली बोलेंगे, छोटी वाली दियो, दिखाते दिखाते भी कर सकती है ना, ठीक। मुझे भी ब्लॉग बनाना है बड़े होकर। फिर इससे जैसे छोटी छोटी जगह रह जाती है, इससे करेंगे साफ ऐसे ऐसे, क्योंकि ये बड़ा इसमें बीच में नहीं जा पाएगा ना, बस काट दे मम्मी। अब ये तो पानी मार के अच्छे से साफ कर दिया है, और कथे बाहर यही लगाएगी, ये लगा ऐसे ही नहीं ले सकते क्या ऐसे। तो पूरे किचन कर करके आखिर साफ कर ही दिया। अब आज नहीं चलाएंगे, कल चलाएंगे, सूख जाएगा जब के फिर पानी दर दर चला गया होगा। और के सो तो अब मम्मा जी तो सो रही है अपने आराम से। टाइम देख लो क्या हो चुका है, 2:20 है। और मैं सोच रहा हूँ अपनी वीडियो अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि कल रात को मैं जल्दी भी सो गया था और नेट भी नहीं चल रहा था इस वजह से। तो फिलहाल तो अब मैं अमन के घर जाता हूँ वीडियो डालने के लिए। सो तो मैं तो आ गया अपनी वीडियो डाल के आराम से, और ऊपर जा रहा हूँ क्योंकि भानु का मम्मी का सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो सिलेंडर बनवाना पड़ेगा। वो तो चला गया दिल्ली, सारा काम चोरी इंसान इतना ज़्यादा। और बाहर देखो कितनी कड़ी धूप है भाई साहब, जाने का मन नहीं कर रहा, मेरे सांस ऊपर नीचे हो रही है। ओ भाई। और बाहर बज रहे हैं ढोलक, किसी का आज वो है। चल बेबीज़ को देख लेते, बेबीज़ कैसे हैं हमारे बेबीज़। ओ भाई साहब बदबू कर दी इनने, देखा भाई साहब देखो, धीरे धीरे इनके पंख आने लग गए, कितने से थे इतने से, और आज ये कितने ज्यादा हो गए। और ये उधम मचाएंगा अब यहीं पे, परेशान करेंगे हमें। ये हमारे मेरी बाइक सड़ा रखी है ना, मेरी बाइक पूरी सड़ा रखी, ये सड़ाएंगे और सड़ाएंगे। बेटा बहुत मारूंगा तुमको, बता रहा हूँ मैं, काट के खा जाऊंगा फालतू सर पे चढ़े तो। तो भाई उसका पापा तो भरवा लाया था अपने सिलेंडर विलेंडर, मेरे को तो पता लगा। और मम्मी खाना बना रहे थे यार, भूख लग रही है, क्या बना रही है मम्मी की, तो एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते पूरे, एक्सप्रेशन ही है मम्मी। बना देगी मैं क्या बना रही है वैसे, मस्ती चीज बनाई हो। ढोलक बज रही डम लक लक डम डम लक लक। तो टाइम 5:30 PM और मैं जा रहा हूँ अपने जिम, एज यूजुअल जिम जाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि आजकल बॉडी ज़्यादा दिखने लग गई है ना। जब बेइज्जती है अरे नहीं लगी, ले मारूं। तू है कौन रे? अरे बस कर भाई, तू
जिम तो हो भाई, कितना गंदा हुआ यार मेरा। तो आज हम करेंगे डेडलिफ्ट, ठीक है? तो डेडलिफ्ट में देखना कि कैसे करवाते हैं। टेढ़ी हो जाती है, ठीक है? इसमें अगर तुम्हें अगर ढंग से करनी है तो फिर अपने ट्रेनर से पूछो, और यूट्यूब पे है ना ये सिखाते हैं फिटनेस, माय फ्लाइंग बीस्ट हो गया, रोहित कतरी, साहिल खान, ये सब सिखा देंगे अच्छे से कैसे करते हैं, नहीं तो तुम्हारी टेढ़ी हो जाएगी। सो रीच्ड होम, और टाइम हो चुका है 8 बज चुके हैं। हमारी घड़ी थोड़ी सी आगे पीछे है और हमारे 30,000 व्यूज आखिर हो गए बड़े दिनों के बाद। बताओ 30,000 व्यूज बस कम है वैसे, पता है तुझे? दोस्त तेरा करेंगे ना दोस्त पता है क्या है, जब उन्हें लगेगा ना कुछ ऊपर जाते टाइम, जब सारे चेप हो जाते, जब चेप हो जाए सबको पता है ये बात। तो हम तो रख रख के से वाकिफ है, पर मैं अभी कहता नहीं हूँ किसी से भाई करो कुछ करो, नहीं करना चाहिए। तू क्यों रो रही है? मैं कर रहा हूँ। तेरा आंसू क्यों आ रहा फालतू में? किसका गम में बैठी है तू? किसका गम कर रहा हूँ? किसका गम में बैठी है तू? पागल सी भानु आ रहा आज तो रास्ते में ही है। काल का यो आचार। हाँ पता ना क्यों आ रहा। तो अब टाइम आ गया अपना व्लॉग एडिट करने का, टाइम 9:30 हो चुके हैं। और मम्मी क्या बनाई? मम्मी ने आज बनाई कढ़ी चावल, बना ले मम्मी यार चावल खाऊंगा मैं, चावल खाना है विद प्याज काट के, उसके अंदर प्याज डाल के और थोड़ा नमक डाल के क्या स्वाद आ जाएगा ना। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, और तो इसे को अब एंड कर देते हैं यार। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, हिट लाइक एंड सब्सक्राइब योर चैनल विद सचिन नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। अरे नाक में मत घुसो यार, कुछ दिख गया तो तुम कहोगे छी।